कहते हैं जहां तकरार होती है वहीं से प्यार की शुरुआत होती है, और ये कहावत सुशांत और अंकिता की प्यार की कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जब सुशांत और अंकिता की मुलाकात सीरियल पवित्र रिश्ता के सेट पर हुई तब दोनों के बीच कुछ ऐसा ही था। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, दोनों के बीच काफी अनबन भी होती थी। लेकिन दोनों की अनबन कब उनके दोस्ती में बदल गई और फिर ये दोस्ती चुपके चुपके कब प्यार में बदल गया ये दोनों को भी नहीं पता चला। उसके बाद उनका ये रिश्ता गहरा होता गया और दोनों के बीच चुपके चुपके एक रिश्ता बनने लगा। हालांकि सुशांत के लिए अंकिता को इस प्यार के लिए हाँ बुलवाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए सुशांत को काफी मेहनत भी करनी पड़ी और फिर फाइनली अंकिता ने इस रिश्ते के लिए हामी भरी और फिर दोनों ने एक साथ लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर दिया। भले ही सुशांत और अंकिता साथ थे लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि दोनों के बीच जुड़ चुका था एक पवित्र रिश्ता। लेकिन दोनों की जिंदगी में वो लम्हा भी आया जब एक डांस रियलिटी शो में सुशांत सिंह राजपूत ने पूरी दुनिया के सामने अपने घुटनों पर बैठकर नेशनल टीवी पर अंकिता को किया प्रपोज। सुशांत का ये अंदाज अंकिता को तो भाया ही, साथ ही साथ उनके फैंस के दिलों में इस प्यार भरे रिश्तों को खूब प्यार मिला। इसके बाद से दोनों की जिंदगी में सब कुछ बदल सा गया और अब अंकिता सुशांत की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थी। और फिर सुशांत की लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आया जब सुशांत सिंह राजपूत अपने सपनों को पूरा करने के लिए छोटे पर्दे को कह दिया टाटा बाय बाय और फिर निकल पड़े रुपहले पर्दे पर अपनी किस्मत आजमाने। साल 2013 में फिल्म काई पोछे से सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड में कदम रखा और सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सफलता का स्वाद चखा और लोगों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई और खासकर सुशांत की लाइफ में फीमेल फैंस का इजाफा हुआ और फिर यहीं से शुरू हुई सुशांत और अंकिता के प्यार के बीच तकरार की कहानी। जैसे जैसे सुशांत सिंह राजपूत सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगे वैसे वैसे सुशांत और अंकिता के रिश्तों की अनबन की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी। ये बात अब तक जग जाहिर हो चुकी थी कि सुशांत और अंकिता लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, लेकिन सुशांत और अंकिता की शादी वाली बात से सभी थे अनजान। जी हाँ, उस समय अंकिता और सुशांत की शादी वाली न्यूज ने बटोरी खूब सुर्खियां कि दोनों ने लिविंग रिलेशनशिप में आने से पहले ही फैमिली प्रेशर की वजह से कर ली थी शादी। हालांकि सुशांत और अंकिता ने दोनों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन जब एक इवेंट में पहुंचे दोनों से जब मीडिया ने उनकी शादी पर की थी बात तब क्या कुछ कहा था दोनों ने, आप भी सुनिए। 2016 It's gone, I mean, like it's increased only in geometric progression in the last 6 years. Mm-hmm. Like being consistent yeah. every day, I mean like it's insane. But that's a fact. I love you, baby. She's the only one who's been like, and she's not putting up with me. She's like liking me since 6-7 years. So. Loving you. Yeah. Loving you, baby. Loving me. Yeah. Devil mere piche. Main devil ke piche. What fun. Oh my God, yeah. What fun. सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे आखिरी बार इस अवार्ड शो में हाथ डाले नजर आए और इसके बाद सुशांत हर इवेंट में अकेले ही नजर आए। सुशांत और अंकिता के ब्रेकअप की खबरों ने रफ्तार तब पकड़ा जब सुशांत की बर्थडे पार्टी में अंकिता मिसिंग थी। इसके बाद से ही दोनों के बीच ब्रेकअप की सुर्खियों ने रफ्तार पकड़ा और लोगों को तब हुआ यकीन कि सुशांत और अंकिता के बीच नहीं था ऑल इज वेल। वहीं ये भी खबरें आई कि सुशांत ने अंकिता के ओवर पजेसिव नेचर के कारण उनसे अलग होने का फैसला लिया क्योंकि अंकिता सुशांत को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर नर्वस हो जाती थी
जिसके बाद दोनों के बीच तनाव रहता था। इस तनाव से बचने के लिए सुशांत ने अंकिता से अलग होने का फैसला लिया। सुशांत उस फ्लैट से शिफ्ट हो चुके थे जहां से दोनों ने अपने जिंदगी के सपनों की शुरुआत की थी, और फिर यहीं से शुरू हुआ दोनों के ब्रेकअप पर सवाल उठना। सुशांत के बढ़ते करियर ग्राफ और उनके को-स्टार्स के साथ लिंकअप को ब्लेम किया गया, और तो और अंकिता के अल्कोहलिक होने को भी इस ब्रेकअप की बड़ी वजह बताई गई। लेकिन खुद सुशांत ने इस पूरे विवाद को एक ट्वीट द्वारा साफ किया। वहीं अंकिता भी खुलकर सामने आई और अपने ब्रेकअप पर जवाब दिया। आपको मेरी शक्ल कैसी लग रही है? काफी खुश। तो फिर बस मैं खुश हूँ, थैंक यू। वेल, भले ही दोनों ने अपने इस ब्रेकअप की असली वजह ना बताई हो, लेकिन फैंस को आज भी इस बात का इंतजार कि आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों का पवित्र रिश्ता किनारे आते आते ही टूट गया।